आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का मुरब्बा, जिसमें देखिए सबसे पहले इधर मैंने इसके पहले मुरब्बा बनाई थी तो इसमें चाशनी बच गया हुआ है, तो इसी में ये जो आंवला है इसका मुरब्बा बन जाएगा। इसमें शक्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सवा किलो आंवला है, तो इसको मैंने 3 घंटे से फिटकरी ऐड करके रख दी थी। अभी 3 घंटा हो गया, तो इसको अच्छे से धो लेना है कठिन पानी से। अब ये देखिए आंवला अच्छे से धो करके हो गया। अभी इधर ही इसमें 1.25 किलो कम से कम पानी है, 1.25 लीटर, तो इसमें हम आंवला को ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से उबालेंगे, एक उबाल अच्छा उबालेंगे, उसके बाद में आंवला उबल के हो जाएगा तैयार। अब ये देखिए ढक्कन ऐड करके छोड़ देंगे और चूल्हा खास रखेंगे यहाँ पर। अब ये देखिए ये एक उबाल अच्छे से उबल गया आंवला, और इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो इसकी प्रोटीन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छान करके ठंडा होने के बाद ही चाशनी में ऐड करेंगे। अब ये देखिए आंवला है, और इधर ये छन्नी है, ऐसी टोकरी है, तो इसमें हम छान लेंगे इसको। अब ये देखिए आंवला छान करके हो गया, इसको हम पंखे के नीचे रखेंगे, एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और इधर चाशनी चढ़ा दूँ, चाशनी को एक बार डालना है, फिर उसके बाद में आंवला को ऐड कर दूंगी। चाशनी देखिए, चाशनी अच्छे से उबल गया और माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसमें केसर सब इलायची से पहले से पड़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर आंवला है, देखिए आंवला अच्छे से ठंडा हो गया, पंखे के नीचे मैंने ठंडा की इसको, तो इसको हम अब ऐड कर देंगे, इसमें चूल्हा कम कर लेंगे। इस तरह से अगर चाशनी बचा हो तो आप भी कुछ मीठा सामान खाने का बना सकते हैं, चाशनी नुकसान नहीं होगा। अब ये देखिए इसको एक उबाल उबालना है अच्छे से, उसके बाद में ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए एक उबाल अच्छा उबल गया, इस तरह से अच्छे से उबाल लेना है। और अभी सीजन है, आंवले का सीजन है, मार्केट में आ रहा है, तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, फायदेमंद है। अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अभी देखिए थोड़ा हम सजा लेंगे, इसमें तो पहले से केसर है ऑलरेडी सब है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।